नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स बताइए जो कि डेब्ट फ्री हो। तो हम यहां पर सिर्फ डेब्ट फ्री नहीं, कई सारे पैरामीटर्स लगाए हैं, कई सारे पैरामीटर्स पे आपके लिए जो है स्मॉल कैप स्टॉक्स को फिल्टर किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स पे हमने स्टॉक को फिल्टर किया है। तो ये जो हम स्टॉक को फिल्टर करेंगे अलग अलग पैरामीटर्स पर, वो है टिकर टेप का स्किनर। टिकर टेप के वेबसाइट पर जो स्किनर है उसका मैंने यूज किया है स्टॉक को फिल्टर करने के लिए। तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट कैप है, ये तो आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। उसके बाद पी रेशियो यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो पहला फिल्टर है, यहां तक तो पी रेशियो, मार्केट कैप, क्लोजिंग प्राइस, ये आपको डिफॉल्ट मिलता है। उसके बाद 5 ईयर्स हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ को लगाया है। उसके बाद 1 ईयर्स हिस्टोरिकल अर्निंग पर शेयर ग्रोथ को लगाया है। उसके बाद PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको मैंने लगाया है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर जो हमारा कितना हुआ है वो लगाए हैं। उसके बाद अगला देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास कितना है, इसको लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि आप जानते हैं कि जिसके पास रिजर्व सरप्लस हो वो कंपनी ज़्यादा सर्वाइव कर सकती है, साथ साथ वो आपको बोनस शेयर भी दे सकती है। तो इसलिए हमने रिजर्व और सरप्लस को भी लिया है कि वो ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक जो आपको साथ ही साथ बोनस भी दे सकता है ग्रोथ के साथ साथ। तो जो कंपनियाँ रिजर्व कैश मतलब कैश के साथ है तो वो कंपनी आगे हो सकता है इसको री इन्वेस्ट करे अपने ग्रोथ पर। तो ग्रोथ को भी देखना है, जब ग्रोथ होगा कंपनी में तभी बोनस आपको बेनिफिट करता है। तो जब कंपनियां ग्रो करे साथ साथ आपको बोनस दे तो काफी बेनिफिट करेगा। उसके बाद टोटल करेंट एसेट्स यहां पर देखते हैं, टोटल करेंट एसेट्स कंपनी का कितना है। उसके बाद फ्री कैश फ्लो, कंपनी का फ्री कैश फ्लो यहां पर लिया है हमने। उसके बाद डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का लिया है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी लिया है। देख सकते हैं कितने सारे पैरामीटर्स हमने लिया है और ये सारे पैरामीटर्स काफी बेहतरीन है। उसके बाद प्लेस्ड प्रमोटर्स होल्डिंग, प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना प्लेस्ड है वो लिया है। उसके बाद अल्फा, कौन से स्टॉक्स ने कितना अल्फा जनरेट किया है। अल्फा जनरेट मतलब होता है कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है हमारा निफ्टी, निफ्टी का ये स्मॉल कैप स्टॉक्स है, तो निफ्टी से कितना ज़्यादा प्रतिशत का रिटर्न ये जनरेट करके दिया है इन्वेस्टर को, ये हमारा हो गया अल्फा। तो अल्फा काफ़ी बेंचमार्क से मतलब एक तरह से कंपैरिजन हुआ कि बेंचमार्क जो है हमारा निफ्टी, निफ्टी स्मॉल कैप कहिए, उससे कितना ज़्यादा ये जनरेट करके दिया है रिटर्न ये स्टॉक्स। तो इन सारे पैरामीटर्स पे सबसे पहला जो स्टॉक आया आपको रेडिको खैतान, ये हमारा किससे है, अल्कोहलिक बेवरेज से है। उसके बाद दूसरा है वेलस्पून इंडिया लिमिटेड, टेक्सटाइल से है। ट्रीडेंट लिमिटेड, टेक्सटाइल से है। उसके बाद फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन, रिटेल और अप्रैल से देख सकते हैं। KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केबल से है। उसके बाद JK लक्ष्मी सीमेंट, सीमेंट सेक्टर से। जीवन स्मॉल फाइनेंस सर्विस किससे है हमारा, कंज्यूमर फाइनेंस से। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स किससे है, कमोडिटी केमिकल से। उसके बाद इक्विटी होल्डिंग्स किससे है, कंज्यूमर फाइनेंस से। तो ये 8-9 स्टॉक्स है, 9 स्टॉक्स में अब हम रिजेक्ट करेंगे और कुछ को सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा प्रमोटर्स का प्लेस्ड होल्डिंग है, क्योंकि ये तो एक तरह का डेप्ट हो गया। तो कंपनी का जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है ये भी देखते हैं काफ़ी हाई है, जो स्मॉल कैप कंपनी है डेप्ट इक्विटी रेशियो, इस पर भी आप इसको मतलब अलग कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा हो गया फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन, ये कैंसिल हो गया आपका। फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस बेसिस पे कर सकते हैं कि इसे या तो मुकेश अंबानी या तो अमेजोन, मतलब मुकेश अंबानी का रिलायंस या तो अमेजोन, जेफ बेसोज, ये दोनों में कंपटीशन है कि कोई ना कोई फ्यूचर रिटेल को बाय कर सकता है। तो फ्यूचर रिटेल मतलब बिग बाजार जितने भी है, अगर उनके हाथ में चला जाता मुकेश अंबानी के हाथ में तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट है काफ़ी बेहतरीन है, तो वो निश्चित है कि इस कंपनी से प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो वैसे में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला ऐसे तो हम जो पैरामीटर्स लगाए उसके आधार पर इसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग प्लेस्ड है। उसके बाद रेडिको खैतान 1.83 इसका प्लेस्ड है, तो ये काफ़ी कम है, तो ये चलेगा। उसके बाद कोई भी ऐसा स्टॉक्स नहीं है जिसका प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है प्लेस्ड हो, तो काफ़ी अच्छा है। तो एक स्टॉक्स हमने रिजेक्ट कर दिया, फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन। उसके बाद अल्फा के आधार पर देखिए तो अल्फा जनरेट क्या है, रेडिको खैतान काफ़ी अच्छा शेयर, ये स्टॉक्स काफ़ी निगेटिव में है, देखते हैं जितना हमारा निफ्टी रिटर्न दिया है स्मॉल कैप उससे भी 25% निगेटिव रिटर्न, मतलब उससे भी -25% रिटर्न निगेटिव में दिया है।
तो ये भी स्टॉक रिजेक्ट। तो वेल्सपून इंडिया ये भी रिजेक्ट हो गया, हमारा फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन ये भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद जेके लक्ष्मी सीमेंट ये भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि बेंचमार्क से ही 18% निगेटिव रिजेक्टर्न दिया है, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर ये भी काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, इक्विटी होल्डिंग्स लिमिटेड -31 बेंचमार्क से -31% मतलब कम रिटर्न दिया है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो बचा सिर्फ कौन, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, उसके बाद जेके लक्ष्मी सीमेंट, उसके बाद KEI इंडस्ट्रीज, ट्रीडेंट लिमिटेड और रेडिको खैतान। तो हो गया वेल्सपून इंडिया लिमिटेड, लाइफ स्टाइल फैशन लिमिटेड, उसके बाद हमारा इक्विटी होल्डिंग्स लिमिटेड, ये तीन रिजेक्ट हो गया। अब डेप टू इक्विटी रेशियो के आधार पर देखिएगा, डेप टू इक्विटी रेशियो के आधार पर तो इसके पास काफ़ी डेप्ट है, मतलब इसका जो रेशियो है डेप टू इक्विटी का काफ़ी अधिक है। तो लेकिन ये हमारा फाइनेंस सेक्टर का जो स्टॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक से डेप्ट लेते हैं, दूसरे को फिर वही लोन पर देते हैं। तो एक से लोन लिया, दूसरे को दिया, बीच का जो मार्जिन होता है वो अर्न करते हैं। तो फाइनेंस का जो भी स्टॉक्स होगा उसके पास आपको डेप्ट दिखेगा ही। तो सिर्फ ही आपको ये देखना है कि जितना डेप्ट उन्होंने लिया है उससे क्या ज़्यादा उन्होंने मतलब इंटरेस्ट अर्न करते हैं या नहीं, जितना पर वो लिए हैं लोन। जैसे 8% पे लोन लिया और ये जो है कस्टमर को 12% पे देते हैं, तो समझ सकते हैं 4% का मार्जिन है बीच में। तो ऐसे 3% का मार्जिन रहता है, 3.5% का मार्जिन, तो इस तरह का मार्जिन रहता है। तो वही बीच का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो अर्न करते हैं। उसके बाद इसके पास भी डेप्ट इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम पहले ही मतलब रिजेक्ट कर दिए हैं। अब हम दूसरा देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% काफ़ी बेहतरीन है, ट्रीडेंट 11% काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर लाइफ स्टाइल को हमने पहले ही रिटर्न मतलब रिजेक्ट कर दिया, ये तो काफ़ी अच्छा है, KEI इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छा है, इसका अल्फा भी काफ़ी अच्छा है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है। जेके लक्ष्मी ये थोड़ा सा कम है, उसके बाद उज्जीवन जो फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका भी अच्छा है, 8% का है रिटर्न ऑन इक्विटी, और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स ये तो काफ़ी अच्छा है। तो देख सकते हैं ये सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा है, इसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट आप रिजेक्ट कर दीजिए। तो इधर यहाँ से सिर्फ बचेगा आपके पास हिमाद्री, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस सर्विस जो उज्जीवन फाइनेंस सर्विस है, उसके बाद KEI इंडस्ट्रीज, ट्रीडेंट, उसके बाद रेडिको खैतान। तो कितने स्टॉक्स बच गया सिर्फ आपके पास, रेडिको खैतान, ट्रीडेंट, KEI इंडस्ट्रीज, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, उसके बाद हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। यहाँ पर बार बार हम स्मॉल बोल देते हैं लेकिन यहाँ स्मॉल नहीं है, उज्जीवन फाइनेंस सर्विस है, तो उज्जीवन फाइनेंस सर्विस आपको याद रखना है। उसके बाद और भी पैरामीटर्स है जैसे फ्री कैश फ्लो, इसके आधार पे भी आप जो है इसको रिजेक्ट और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सारे पैरामीटर्स जो है इसके हम डिटेल में अगले वीडियो में बताएंगे, ये सारे पैरामीटर्स होते क्या है। टोटल करेंट एसेट देखते हैं, ये टोटल करेंट एसेट है, जिस कंपनी के पास करेंट एसेट ज़्यादा है, और अगर पर शेयर से इसमें नंबर ऑफ शेयर से भाग दे दीजिए, पर शेयर से भाग दे देते हैं, अगर वो शेयर के प्राइस से अधिक है तो तब तो आपको वो शेयर में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जिसका पर शेयर करेंट एसेट जो है काफ़ी ज़्यादा हो, टोटल करेंट एसेट पर शेयर अगर प्राइस से ज़्यादा है तो उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो पर शेयर इसका जो टोटल करेंट एसेट है वो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके। नंबर ऑफ शेयर कहाँ मिलेगा, प्रमोटर्स होल्डिंग जो रहता है, पब्लिक होल्डिंग जो है, दोनों को ऐड कर देना है, प्रमोटर्स होल्डिंग प्लस पब्लिक होल्डिंग, BSEIndia.com पर आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है पब्लिक के पास, कितना है प्रमोटर्स के पास, दोनों को ऐड करके इसमें भाग दीजिए टोटल करेंट एसेट में। अगर इसके प्राइस से, रेट को खेतान के प्राइस से अधिक आ जाता है तो समझ जाइए इस स्टॉक में आपको तुरंत बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो पर शेयर कैपिटल है वही अधिक है, अगर तो उस शेयर का प्राइस तो काफ़ी अधिक होनी चाहिए। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस देखते हैं किस कंपनी के पास काफ़ी अधिक है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स देखते हैं काफ़ी अधिक है, उज्जीवन के पास 655, जेके लक्ष्मी सीमेंट इसके पास भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से आप जेके लक्ष्मी को होश अगर आप मानते हैं कि आगे ग्रोथ है इस कंपनी में तो सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखते हैं इस कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस काफ़ी अधिक है। उसके बाद देख लेते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना है कंपनी के पास, जेके लक्ष्मी डेप्ट इक्विटी रेशियो देखते हैं 144 का रेशियो है। तो इस तरह से देख करके आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि काहे कि डेप्ट इक्विटी रेशियो भी कम है, साथ साथ इसके पास रिजर्व सरप्लस काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर के आधार पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देखते हैं इसका काफ़ी ज़्यादा है, 17 रुपया है अर्निंग पर शेयर, इसका 5 रुपया मात्र है, ट्रीडेंट का 6 रुपया है, तो ये स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी कम है। उसके बाद KEI इंडस्ट्री देखते हैं 31 रुपया का पर शेयर इनकम है, इसका भी जेके लक्ष्मी सीमेंट का भी अच्छा है, उसके बाद उज्जीवन फाइनेंस सर्विस इसका भी काफ़ी अच्छा है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स 7 रुपया इसका भी अच्छा है। तो सारे पैरामीटर्स देख करके हमने कितना स्टॉक सेलेक्ट किया,
रेटिको खैतान एक, ट्रीडेंट दो, KEI इंडस्ट्री तीन, उसके बाद इजुमल उज्जीवन फाइनेंस सर्विस चार, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स पाँच। तो इस तरह से हमने यहाँ जो पैरामीटर्स लगाया इसके आधार पर हमने सिर्फ पांच स्टॉक को सेलेक्ट किया, रेडिको खैतान, ट्रीडेंट, KEI इंडस्ट्रीज, उसके बाद उज्जीवन फाइनेंस सर्विस, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। उसके बाद हमने दूसरे तरह से भी फिल्टर लगाया है, चलिए हम दूसरे तरह से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो हमने लगाया है इसमें हमने मार्केट कैप को सेलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पर देखते हैं जो मार्केट कैप है यहाँ पर काफ़ी अधिक लिया है, तो मार्केट कैप के आधार पर भी मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हैं मार्केट कैप जिसका कम हो ज़्यादा हो। उसके बाद यहाँ पर हमने जो पैरामीटर्स लगाया है दूसरे पेज पर, ये दूसरा पेज है उसी मतलब टिकर टेप वेबसाइट का, तो यहाँ पर हमने जो लिया है सबसे पहले लिया है नेट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट का है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन जितना अधिक होगा कंपनी उतना ज़्यादा अर्निंग करेगा। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी लिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले वाले जो पैरामीटर्स उसमें भी लिया था। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये तो दो बार हमने ले लिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, और ये नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, दोनों अलग अलग पैरामीटर्स है। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये है रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया तो कितना परसेंट का उस पर रिटर्न मिला, ये है। उसके बाद डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हमने यहाँ पे भी लिया है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जिसका यहाँ पर एक से कम है, तो वहाँ पर जो हमने डेप्ट टू इक्विटी रेशियो लगाया था वहाँ पे भी जीरो से लेकर के काफ़ी हाई तक लगाया था, लेकिन वहाँ पर जो हमने लगाया था मार्केट कैप उसमें लगा दिया था, साथ साथ और भी कई सारे पैरामीटर्स लगा दिए थे जिसके कारण ये सारी कंपनियाँ वहाँ से मतलब रिजेक्ट हो चुकी थी। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ पे भी लिया है, अल्फा यहाँ पे भी लिया है जिस कंपनी ने अल्फा जनरेट किया है। तो सबसे पहला जो स्टॉक है हमारा वो है NIIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड, दोस्तों ऐसे भी ये IT सेक्टर से कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। चलिए यहाँ सेक्टर देख लेते हैं, IT सर्विस एंड कंसल्टेंसी, अवनति फीड्स, पैकेज्ड फूड एंड मीट्स, उसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया स्टॉक एक्सचेंज एंड रेटिंग, और उसके बाद मोइल लिमिटेड माइनिंग से है ये, कावेरी सीड्स कंपनी सीड्स से जो सेक्टर है हमारा सीड्स उससे है, जस्ट डायल ऑनलाइन सर्विस से है, डेल्टा कॉर्प थीमे पार्क्स एंड गेमिंग से है ये, उसके बाद BSE लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज एंड रेटिंग से, मतलब इसका जो सेक्टर है स्टॉक एक्सचेंज और रेटिंग है, उसके बाद केरे रेटिंग्स स्टॉक एक्सचेंज एंड रेटिंग इसका भी यही सेक्टर है। अब इन सारी कंपनियों को हम अलग अलग पैरामीटर्स पर सेलेक्ट और रिजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले NIIT टेक्नोलॉजी आप देखिएगा सारे पैरामीटर्स पे सेलेक्ट है, अल्फा जनरेट किया है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 610 करोड़ है, काफ़ी अच्छा है, डेट इक्विटी रेशियो एक से कम है तो काफ़ी अच्छा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 19% का रिटर्न दिया है आपके इन्वेस्टमेंट पर, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अपने इक्विटी पर कितना का 20% का रिटर्न दिया है तो काफ़ी, प्रॉफिट मार्जिन भी देखिएगा 18% का है तो काफ़ी अच्छा है। तो ये स्टॉक्स हर पैरामीटर्स पर काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद अवनति फीड्स, चलिए यहां से हम पीछे से देखते हैं, जो पहले बेंचमार्क को ये बीट किया है नहीं, तो ये बेंचमार्क को बीट किया है 5% से देख सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 486 करोड़ है, काफ़ी अच्छा है, डेप्ट इक्विटी रेशियो भी काफ़ी कम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% का है तो ये तो और बेहतरीन है, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम है मतलब 12% का है क्योंकि इसके रॉ मटेरियल्स जो है उसका कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी 21% का है तो ये भी काफ़ी अच्छा है रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिएगा 8% का है तो इसका प्रॉफिट मार्जिन इधर थोड़ा सा घटा है क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा है। तो आप कंपनी के बारे में विस्तार से जाइए इसका एनालिसिस करिए। उसके बाद कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो अल्फा है ये भी 7% से बीट किया है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देख सकते हैं 265 करोड़, ये भी डेप्ट इक्विटी रेशियो 0 है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 11% का रिटर्न दिया है तो काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी 11% काफ़ी बेहतरीन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 47% का, तो देख सकते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन 47% काफ़ी बेहतरीन है। तो ये ऊपर के तीनों स्टॉक्स हमारे सेलेक्ट हो गए। अब हम यहाँ से अब चौथे स्टॉक्स को देखते हैं, तो मोइल इंडिया ये अल्फा पहले तो जनरेट नहीं किया है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ये भी काफ़ी अच्छा है। तो जो मोइल लिमिटेड है इसका भी हर चीज़ सिर्फ अल्फा छोड़ दें तो अल्फा छोड़ करके इधर सारे चीज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर कावेरी सीड्स इसका भी अल्फा थोड़ा सा ख़राब है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा सारी चीज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो आप इस तरह से अपने खुद से रिसर्च करने के लिए ज़रूर सीखें।
यहाँ पर आपको ऐड फिल्टर पे जाना है, सारे फिल्टर को ऐड करना है, जो भी फिल्टर मैंने लगाया, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारे आपको जो है फिल्टर लगाना है, जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हो गया, डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हैं परसेंटेज में कितना है, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये लगाना है, तो ये सारे पैरामीटर्स लगाना है, फिर अल्फा कितना जनरेट किया वो लगाना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो हम यहाँ पर रिजेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले ये तो केयर रेटिंग्स ये हमारा रिजेक्ट हो गया, बीएससी ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये बेंचमार्क को बीट ही नहीं कर पा रहा है, ये तो निगेटिव में है, अपने बेंचमार्क से भी निगेटिव में। उसके बाद डेल्टा कॉर्प ये भी अपने बेंचमार्क से 12% निगेटिव में, तो ये सारे स्टॉक्स हम रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से 6 स्टॉक्स हमारे पैरामीटर्स में सेलेक्ट होते हैं, लेकिन ये भी दोनों स्टॉक्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया, लेकिन जो जस्ट डायल है ये बीट किया है, तो इसका जो है 5-6 स्टॉक्स यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखना पड़ेगा कंपनी का विजन क्या है, मतलब कंपनी आगे ग्रोथ पर ध्यान दे रही है, ग्रोथ पर फोकस कर रही है या नहीं, क्योंकि बेंच मार्क को सिर्फ बीट नहीं कर पाया, मतलब अल्फा जनरेट ये नहीं कर पाया है, अगर आगे अल्फा जनरेट करता है तो हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा, पीछे ये नहीं किया है, लेकिन और सारे पैरामीटर्स काफ़ी बेहतरीन है। 6 स्टॉक्स NIT टेक्नोलॉजी, अवनति फिट्स, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX, उसके बाद मोइल लिमिटेड, कावेरी सीड्स कंपनी, जस्ट डायल, तो ये 6 कंपनी है यहाँ से, और 5 कंपनी मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, रेडिको खैतान, ट्रीडेंट, KEI इंडस्ट्रीज, उसके बाद उज्जीवन फाइनेंस सर्विस, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, तो 6, 5, 11 स्टॉक्स है। इस 11 स्टॉक्स में आपको 2-3 स्टॉक्स अपने मतलब रिसर्च के द्वारा सेलेक्ट करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेनी है। यहाँ पर जो हम होते हैं रिसर्च करते हैं और आपको कंपैरिजन बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म किया है पीछे और आगे कौन सा कर सकता है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हम आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देते, हम सिर्फ यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज़ से आपको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, कौन सा स्टॉक्स अच्छा है, किन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कौन सा स्टॉक्स का फंडामेंटल अच्छा है, साथ ही साथ जब हम इसके इंडिविजुअल जैसे रेडिको खैतान का हम इसका एनालिसिस करेंगे तो इसके टेक्निकल एनालिसिस को भी करेंगे और इसके फंडामेंटल एनालिसिस को। टेक्निकल एनालिसिस में इसके चार्ट को देखेंगे, ये अपने चार्ट पे कैसा परफॉर्म किया है, कब इसमें करेक्शन आया है, कब ये परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, तो इन सारे पैरामीटर्स को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा कि कैसे आप स्मॉल कैप स्टॉक्स को सर्च करेंगे, कैसे स्मॉल कैप स्टॉक को खोज पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आगे भी ऐसे ही एजुकेशन वीडियो आपको मिलता रहे।